पंजाब के अमृतसर गैंग वॉर में मारे गए गैंगस्टर जनरल सिंह को लेकर बड़ा खुलासा। इस गैंग वॉर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बीहा गैंग का नाम। पुलिस ने बम्बीहा गैंग के 10 आरोपियों और शूटरों की भूमिका स्थापित की। अमृतसर के सटियाला गांव में 24 मई को 3 नकाबपोश हमलावरों ने दिन दहाड़े जनरल सिंह की गोली मारकर हत्या की थी। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग से ताल्लुक रखने वाला गैंगस्टर जनरल सिंह जमानत पर बाहर आया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएफ न्यूज। पंजाब के अमृतसर गैंग वॉर में गैंगस्टर जनरल सिंह की हत्या के 7 दिन बाद भी अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दरअसल 24 मई की दोपहर गैंगस्टर जनरल सिंह अपने दोस्त मेजर सिंह के साथ आटा चक्की गया था। इस दौरान नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर जनरल सिंह की हत्या कर दी। जनरल सिंह कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। अमृतसर के ब्यास के सठियाला गांव में गैंगस्टर जनरल सिंह की हत्या के मामले में अब पंजाब पुलिस ने पंजाब की कुख्यात दविंदर बम्बीहा गैंग के 10 शूटरों के फोटो जारी किए हैं। डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर ये सूचना दी है। हालांकि घटना के 7 दिन के बाद भी किसी आरोपी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस पूरे मामले में SSP सतेंद्र सिंह ने दावा किया है कि आरोपियों को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल गैंगस्टरों की पहचान मनप्रीत सिंह उर्फ मुन, बलविंदर सिंह, गगनदीप सिंह, जोबन सिंह उर्फ बिल्ला, गुरवीर सिंह, गुरबेज सिंह, मंजीत महल और बाकी 2 गैंगस्टरों की पहचान अभी तक नहीं हुई है। हालांकि उनकी तस्वीर पुलिस के पास है। गौरतलब है कि 24 मई की दोपहर गैंगस्टर जनरल सिंह अपने दोस्त मेजर सिंह के साथ आटा चक्की गया था। उस दौरान एक स्विफ्ट कार में सवार 4 युवक वहां पहुंचते हैं और 3 नकाबपोश बदमाशों ने आटा चक्की पर पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर जनरल सिंह की हत्या कर दी थी। जांच पड़ताल में यह बात सामने आया था कि जनरल सिंह कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग का सदस्य था, जबकि इसी सठियाला गाँव के बलिंदर डोनी के साथ जनरल का विवाद चल रहा था। और अब इस मामले में आरोप है कि बलिंदर डोनी बम्बीहा गैंग का सदस्य। दोनों की आपस में काफी खींचतान चल रही है, जिस वजह से पंजाब में कई गैंगस्टरों की हत्या हो चुकी है। कई लोगों से इन दोनों गैंग के सदस्यों ने रंगदारी भी वसूली है। फिलहाल देखना अहम होगा कि इन 10 शार्प शूटरों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। टीम BTF न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BTF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।